नमस्कार दोस्तों, कई बार क्वेश्चन किए जाते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ना सही होता है या नहीं होता है। ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहिए या रेगुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहिए? ओपन यूनिवर्सिटी से कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्स नहीं कर सकते? रेगुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ना ज़्यादा सही है या फिर ओपन यूनिवर्सिटी पढ़ना सही है? क्या ओपन यूनिवर्सिटी और रेगुलर यूनिवर्सिटी की जो मान्यता है या वैल्यू है वो किसकी ज़्यादा होती है या नहीं होती है? कैसे सरकारी नौकरी लग सकती है? क्या ये प्राइवेट जॉब में काम आती है? तो इन सभी क्वेश्चन के लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटीज होती क्या है। ओपन यूनिवर्सिटीज से किनको पढ़ना चाहिए? ओपन यूनिवर्सिटीज से उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो किसी वजह से रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते, या जिनमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या जो लोग जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब या फिर सरकारी जॉब को किसी भी तरह की जॉब करते हों, और या फिर जो लोग कहीं कुछ और करना चाहते हैं साथ, जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आफ्टर 12, जैसे जेई मेंस नीट एग्जाम की वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो लोग भी आप, या फिर जो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, पीएससी की तैयारी करना चाहता है, स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता है, रेलवे की तैयारी करना चाहता हो, बैंक जिसकी भी तैयारी करना चाहता हो, तो ऐसे लोग ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या मास्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब रेगुलर यूनिवर्सिटी से भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप जब भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं तो आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाएंगे, और रेगुलर कॉलेज जाने के लिए अब आपकी जो अटेंडेंस होती है वो 75% अटेंडेंस होना जरूरी है। ओपन यूनिवर्सिटीज में ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसलिए आप ओपन यूनिवर्सिटी यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसमें लोग कुछ पूछते हैं कि भाई ओपन यूनिवर्सिटी और रेगुलर की जो मान्यता है वो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर वैल्यू जो होती है किसी की भी कम या ज़्यादा नहीं होती, सभी की इक्वल होती है। यहाँ पे प्रीफ्रेंस देने की किसी को नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सर ऐसा होता है कि जो रेगुलर पढ़ते हैं उनको ज़्यादा प्रीफ्रेंस दी जाती है, और जो ओपन यूनिवर्सिटी से जो पढ़ते हैं उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाती पहले। तो मैं आपको बता दूं, प्रेफरेंस ना ही आपकी डिग्री को नहीं दी जाती, आपके स्किल्स को दी जाती है। अगर आपको वो चीज़ें आती हैं, आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आपने क्या किया है, और जिनको उनको कंपनी को जो रिक्वायर्ड होती है कि आप वो काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, सिर्फ वही आपसे उनको लेना देना होता है, उनको ये लेना देना नहीं होता कि आपने ओपन से किया है या रेगुलर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। अगर आपको काम आता है तो आपको जरूर काम मिल जाएगा। अब आते हैं कि जैसे देखा जाता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे गांव में या फिर कई जगह ऐसा होता है कि कॉलेजेस लड़कियों को कॉलेजेस नहीं भेजते। इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उनके माँ बाप का कहना यह होता है कि यहाँ से कॉलेज बहुत दूर है और हम इतने दूर अपने बच्चों को नहीं भेजा सकते, या फिर हम वहाँ पे बच्चों को रहने की हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम उनको वहाँ पे रह के वो पढ़ाई कर सकें, तो इसलिए वो 12th तक ही उनकी पढ़ाई कराते हैं, इसके आगे उनको नहीं पढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे माँ बाप के लिए और ऐसी बच्चियों के लिए ये ओपन यूनिवर्सिटी बहुत सही यूनिवर्सिटीज होती हैं, क्योंकि इनके थ्रू वो घर बैठे ग्रेजुएशन कर सकती हैं, मास्टर ग्रेजुएशन कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें बस एडमिशन लेना होता है और सेल्फ स्टडी करके एग्जामिनेशन देना होता है, इससे उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। तो सभी माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ये कारणों से बच्चों या बच्चियों जिनकी भी पढ़ाई है उसको कभी भी अधूरा ना छोड़वाएं, कम से कम ग्रेजुएशन तक तो जरूर पढ़ाई कराएं, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा आपकी जो लड़के या लड़कियां जो भी होंगे वो आसानी से कोई भी सरकारी या प्राइवेट या किसी भी तरह की जॉब वो करने में कामयाब हो सकते हैं। तो कृपया कर ऐसा ना करें। ओपन यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं इनसे कर बहुत सारी फ्रॉड यूनिवर्सिटीज भी होती हैं। अब बात ये आती है कि सर हम कौन सी यूनिवर्सिटी से करें, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन यूनिवर्सिटीज और रेगुलर यूनिवर्सिटीज हैं, इन सभी को जो मान्यता देते हैं वो यूजीसी देता है। तो आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी सही है और कौन सी यूनिवर्सिटी फेक है। इस पे जो भी यूनिवर्सिटीज रहेंगी आप स्टेट वाइज देख सकते हैं कौन से स्टेट में कौन सी यूनिवर्सिटी है। आपको मैं बता देता हूँ, नॉर्मली जो, जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ओपन वो भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, और जो एक यहाँ पे सेंट्रल की चलती है वो इग्नू यूनिवर्सिटी चलती है। इग्नू और यहाँ पे भोज यूनिवर्सिटी ज्यादा ओपन यूनिवर्सिटी चलती है। इसी तरीके से हर एक स्टेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है, लेकिन आप अगर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रहते हैं आप किसी भी ओपन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी स्टेट की या किसी भी सेंट्रल के। तो जैसे कि आपने इग्नू में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आप भोज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी अन्य स्टेट की यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन
ले सकते हैं। और भी ओपन यूनिवर्सिटीज है, जैसे स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी है, मिशन विनायक यूनिवर्सिटी सिक्किम है, ऐसे करके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे हमारे इंस्टीट्यूशन में कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्लाह एकेडमी भोपाल इंस्टीट्यूशन में। हम लोग भी यहाँ पर आपको उसी तरह के कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम परेशानी होती तो आप हमसे बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा इंस्टीट्यूशन का, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं और यहाँ से भी आप कोर्स कर सकते हैं। तो मुझे आपको लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन यूनिवर्सिटीज और रेगुलर यूनिवर्सिटीज में क्या फर्क होता है। आपको पता चल गया यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं होता है ना ही, क्योंकि जब भी किसी भी जॉब का अगर विज्ञापन आता है, ऐड आता है, तो उसमें ये लिखा आता है मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर, मतलब यू मास्टर या फिर ग्रेजुएशन आपने किया हो, ये नहीं कहा जाता कि आपने ओपन से किया है या रेगुलर से किया है, इससे वहां पर कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए ये जो लोग होते हैं जो कहते हैं वैल्यू कम नहीं है और ज्यादा, बस उनको इस चीज का ज्ञान कम है और ज्ञान का अभाव है, इस वजह से ही वो लोग ऐसा कहते हैं। ये बात ऐसी वजह से पुरानी प्रथाएं घिसी पिटी प्रथाएं चली आ रही है कि इसकी ये चीज नहीं होती, वो चीज नहीं होती, हमसे जिसने कह दी हमने वही मान लिया। ऐसा नहीं है, आप बराबर आप नेट पर इंटरनेट वगैरह पर आप सर्च कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं ऐसा कुछ। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें कॉल करें, हम आपको पूरा सुझाव देंगे। आप हम जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो लोग, या जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो लोग, या फिर जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, या जो जेई मेंस या नीट वगैरह जितने भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं बिना समय गवाए। तो आप चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।